हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के व्लॉग में। सो आज मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि न्यूयॉर्क सिटी कैसा है और कैसे वहाँ पे लोग घूमते हैं। सो बेसिकली आज मैं पैदल ही न्यूयॉर्क सिटी में वॉक करूँगी, वहाँ पे टाइम्स स्क्वायर जाऊँगी। और जिसके लिए अगर आपको पैदल जाना है ना, तो आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते हो, आपको ना यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बने हैं। सो मैं अभी जर्सी सिटी में हूँ और यहाँ से मैं ये मेट्रो स्टेशन का टिकट लिया है और हम मेट्रो में बैठ गए हैं। सो जर्सी सिटी और न्यूयॉर्क के बीच में है हडसन रिवर, और रिवर के नीचे से ना ये मेट्रो बनी है। आपको वो रिवर के अंदर नीचे से क्रॉस करके ये मेट्रो आ गई है न्यूयॉर्क सिटी में। सो आप देख सकते हो ये है न्यूयॉर्क सिटी, हम स्टेशन से बाहर आ गए हैं। सो हमने स्टेशन पे ना जर्सी सिटी से मेंशन किया कि वहाँ से हमने 33rd स्ट्रीट करके एक स्टेशन है, वहाँ पर हम उतर गए हैं। और आप देख सकते हो क्राउड कैसा है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, एंड सारे यहाँ पे अपने अपने काम में लगे हैं। जो घूमने आए वो घूम रहे हैं, और इधर पे काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और यहाँ अगर आप राइट साइड में देखो ना पीछे में, तो यहाँ पे काफ़ी साइकिल्स लगे हैं, रेंटेड साइकिल्स। तो आप उसको रेंटेड पे ले सकते हो और साइकिल से भी इस पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। बट बेबी के साथ वो पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप अपने बच्चे के साथ हो ना, एंड तो बच्चा छोटा है, तो यू मेक श्योर कि आप उसका स्ट्रॉलर ले लो, ताकि आपको वॉक करने में इजी होगा। और यहाँ पे मैं और बेबी आराम से घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देखो मेसीज है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। सो काफ़ी भीड़ है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग घूम भी रहे हैं, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, खा रहे हैं, सब अपने अपने में ऐसे बिजी हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इस शहर की एक बहुत ख़ास बात है ना, कि चूँकि अभी न्यू ईयर और क्रिसमस का टाइम है ना, तो काफ़ी क्राउड ज़्यादा होता है यहाँ पे, दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, नॉट ओनली विद इन द कंट्री, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं इस जगह को देखने के लिए हॉलीडे में, चूँकि सबकी छुट्टी होती है, तो लोग यहाँ घूमने आते हैं। एंड दिस सिटी इज़ ऑसम। आप देख सकते हो बड़े बड़े मॉल्स के बाहर कैसे डेकोरेशन हो रखे हैं, कैसे लोग फोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हैं। इधर काफ़ी एक हैपनिंग सा मॉल है, लोग को खाने के लिए भी ऐसे जगह है। हम अभी यहाँ पे ना शाम में आ गए हैं और अभी अंधेरा नहीं हुआ है। सो आप देख सकते हो अभी कितनी भीड़ दिख रही है, और जैसे जैसे ये लेट होता जाता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये भीड़ कम होगी, इनफैक्ट ये बढ़ती ही जा रही है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, घूमने आए हैं, एंड दिस इज़ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। सो हम इस बिल्डिंग के अंदर भी जाएंगे, जिसका व्लॉग मैं अपने दूसरे व्लॉग में कवर करूँगी। एंड यहाँ पे मैं और बेबी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हमें अभी जाना है टाइम स्क्वायर। सो हम जा रहे हैं टाइम स्क्वायर के लिए निकल गए हैं, और ये जो सारी भीड़ आप देख रहे हो ना, सारे टाइम स्क्वायर की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि यहीं पे मेन सेलिब्रेशन जो होता है ना, वो टाइम स्क्वायर पे ही होता है, एंड लोग वहाँ पे मेनली घूमने आते हैं। एंड दिस इज़ मिनी रिक्शा जो हमने देखा, दैट वाज टू क्यूट। एंड तो चलिए हमारे साथ। सो फाइनली हम आ गए हैं टाइम स्क्वायर, और आप देख सकते हो इधर पे है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, और इधर पे काफ़ी बहुत अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग है, बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, और लोग ऐसे आ जा रहे हैं, और हमें यहाँ पे रोड क्रॉस करके जाना है। सो सिग्नल का वेट करना होता है। आप देखो बहुत सिस्टमैटिकली लोग, अगर क्राउड भी है तो वो बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सो इसलिए ज्यादा कुछ मेस नहीं हो रहा है यहाँ पे।
और ऐसे घूमते घूमते ना बार बार बेबी अपना शूज ऐसे एक शूज ऐसे गिरा दे रहा है, उसे ऐसे गेम जैसा लग रहा है कि वो शूज गिराएगा फिर मैं उसको कलेक्ट करूंगी फिर उसको पहनाऊंगी। सो बार बार ऐसा कर रहा है और मैं बार बार उसे पहना रही हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप बच्चे के साथ हो ना तो मेक श्योर कि उनको अच्छे से बहुत अच्छा है कवर करके जैकेट पहनाओ और खुद भी अच्छे से कवर करके यहाँ पर रहें क्योंकि काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे, बहुत ठंड है। और लाइक स्ट्रॉलर्स के लिए आप देख सकते हो रोड काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉलर्स तो बहुत अच्छे से स्मूथली चलते हैं। और स्ट्रॉलर्स को थोड़ा ऊपर नीचे कहीं ले जाना है ना तो आप देखो किनारे से स्लाइडर्स जैसे भी बने हैं, सो आप इजीली लाइक स्ट्रॉलर्स कैरी कर सकते हो उस जगह पे। एंड लाइक इससे क्या होता है ना कि बेबीज़ भी कम्फर्टेबल होते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स जैसे बने हुए हैं, सो वो सब भी हमारे पास आए और हमने उनके साथ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कराए हैं। तो फाइनली उसके बाद ना हमने देखा कि यहाँ क्राउड में ना ऐसे कुछ परफॉर्मेंस हो रहे हैं, स्ट्रीट परफॉर्मेंस जैसे। हमने क्या किया कि हम भी आ गए यहाँ पर उस परफॉर्मेंस को देखने। एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, लाइक मैंने इसके पहले ना इतने अच्छे रोड परफॉर्मेंसेस नहीं देखे थे। आप भी देखो देर तक ये परफॉर्मेंस देखने के बाद हम निकल गए हैं यहाँ से। और लाइक अब और भी ऐसे रोड पे घूमेंगे, देखेंगे शहर को कैसा है ये शहर, बट इसके पहले हमें लग गई है भूख। सो हमें यहाँ सामने पे दिखा है डंकिन डोनट्स एंड इधर पास में ना एक मैकडी भी मिला, सो वी ऑप्टेड फॉर दैट। एंड उसके बाद अच्छे से खाने के बाद हमने लाइक फिर से चलना शुरू कर दिया है, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोग ऐसे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, हमने भी बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं। और आप जब भी न्यूयॉर्क सिटी आते हो सो देयर विल बी मेनी थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन विजिट लाइक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मैडम टुसाड वैक्स म्यूजियम, देन देयर आर मेनी मॉल्स एंड ऑल। यू कैन ऑल्सो गो एंड विजिट ब्रुकलिन ब्रिज, रिवर साइड का व्यू ले सकते हो। सो यहाँ पे ना घूमने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, हमने भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज के व्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।